किस सदी के गैबते कुबरा की सदी में सबसे बड़ा जिस शख्स ने उस सिस्टम का मुकाबला किया वो शख्सियत इमाम खुमैनी की शख्सियत थी। कि जब खुमैनी ने ये जुमला कहा ना कि अमरीका सबसे बड़ा शैतान है, आराब जाहिली कहते हैं कि जब हम मुसलमान बने तो हंसते थे खुद पे, अरे हम हुबल की पूजा करते थे, हम बुतपरस्त थे, और आपस में कह रहे थे कि जब रात को सोते थे तो अरब खजूर का हलवा बनाते थे, इस खजूर से एक बुत बनाते थे, रात को सोने से पहले उसकी इबादत करते थे और सुबह उठने के बाद जो अपने खुदा को खा लेते थे, तो हंस रहे थे, खुद बनाते थे खुद खाते थे। रसूल को हुबल से उज्जा से खतरा नहीं था, ये मिट्टी के बुत मकौन को क्या करते हैं, खतरा था उस बुत के पीछे उस पंडित से जो सोच दे रहा था। आज की तबर्रा को अगर समझना है तो आज के यजीद और जालिम को समझना होगा। खुमैनी ने आते ही कहा कि अमरीका सबसे बड़ा शैतान है, क्योंकि शैतान बुत बनाता है। इस वक्त अमरीका सबसे बड़े बुत तुम्हारे जवानों के लिए बना रहा है, ये अपनी फिल्मों में जो सुपरस्टार्स बना रहा है, ये कौन है, ये बुत साजी है, जिनके मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ पीपल फॉलोवर्स हैं। आज एक इस्लामी चैनल खोलो कितने फॉलोवर हैं, और टॉम क्रूज और पता नहीं लेडी गागा मुख्तलिफ चीजों को जाकर देखो, मिलियंस ऑफ फॉलोवर इन लोगों के। ये अमरीका ने बुत बनाए, लोगों को उनका फॉलोवर बनाया। सवाल यह है कि तुमने क्या बनाया, हुसैन के लिए तुमने क्या किया, इस सिस्टम के लिए तुमने क्या किया, तुमने कितने इमाम जमाना के फॉलोवर बनाए, तुमने कितनी सैयदा जैनब की मानने वाली बनाई है। क्योंकि ये सिस्टम अब हदीस से मासूम है कि फरमाते हैं कि ऐनुल यमना ममसूहा, ये जो दज्जाल है इसकी एक आंख जो है वो नहीं है, वल उखरा फी जिबहतिन तुज़ीउ अन्हा कौकब, और दूसरी जो आंख है फी जिबहतिन उसकी पेशानी पर है और एक सितारे की तरह चमकती है। अब इस जालिम को अगर पहचानना है तो ये तो बहुत पुरानी बात है, आप डॉलर को देख लीजिए अमरीका के, वही आंख वही चीज चमक रही है। ये सिस्टम जुल्म है, फला तुतिल काफरीन। अब अगर तुम इसकी इताअत नहीं करोगे, मासूम का फरमान है, ये तुम्हारी रोजी को बंद करेगा, ये तुम्हारे माश पर पाबंदी लगाएगा, ये तुम्हारे रिज़्क पर पाबंदी लगाएगा, ये तुम्हें डराएगा कि अगर तुम मुझे नहीं मानोगे, जिसको हम कहते हैं सैंक्शंस। एफ़ईटीएफ को पढ़िए कि इन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा ने यूनाइटेड नेशन ने जो कानून बनाए हैं, आप उन कानून को पढ़िए कि कानून है भाई 15 साल से अगर कम कोई तुम्हारी नेशनल शहीद है, पाकिस्तान के जो शहदा हैं 70 में 60 में 62 में, अगर किसी की उम्र 15 साल से कम है, उन शहीदों का जिक्र अपनी लिटरेचर में अपनी एजुकेशन बुक्स में नहीं करोगे, ताकि लोगों में शहादत का जज्बा न बढ़े। दूसरा, 18 साल से कम भी कोई शहीद नहीं होगा, उसको भर्ती नहीं करोगे। तीसरा, अपनी एजुकेशन सिस्टम में, इस पर अफसोस से कुछ ईरानी लोग भी गए और साइन करके, बाद में उनको पता चला कि भाई हम किस बला पे साइन करके आए हैं, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए उन्होंने प्लानिंग की है, आपका बच्चा बड़ा कैसे होगा, और क्यों फरमाइए जो निजाम जुल्म है, अल्लाह का जो निजाम है वो तुझे बचाना चाहता है, जो जुल्म का निजाम है वो तुझे तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। आप बड़ी आसानी से देखिए, अब डेनमार्क सबसे बड़ा मुल्क है ना, जिनके लिए लोग तरसते हैं कि हम डेनमार्क जाएं, हाँ। लिस्ट में आप देखेंगे सबसे हाई रैंक पे डेनमार्क का नाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कहां पर है, डेनमार्क में। आप उनका निजाम है ना, लेकिन निजाम में बातिल है, सबसे ज्यादा कैंसर वहां पर है, और सबसे ज्यादा जहां कैंसर कम है वो पता है कौन सा मुल्क है, वो यमन है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यमन सबसे ज्यादा इस्लामी रसूमात पर अमल करने वाला मुल्क है। सबसे ज्यादा खुदकुशी जिस मुल्क में है वो जापान में है, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्योंकि सिस्टम गलत है, सुबह से शाम तक इंसान को रोबोट बनाना सिखाते हैं, तो खुदकुशी उनमें ज्यादा है। इस्लाम कहता है सुबह की नमाज पढ़ो, पढ़ने के बाद काम पे निकलो, 12 बजे तक काम करो, सिर्फ 24 घंटा मशीन की तरह तुझे पैसा नहीं कमाना, तेरे वजूद के अंदर की जरूरियात है, रूहानियात है,
आज इंग्लैंड में, यूरोप में पैसे देकर उन लोगों को चर्च में भेजा जाता है। भाई एक दिन चर्च में चला जा, प्रूव हुआ है जो बंदा हफ्ते में एक दिन चर्च आता है वो बड़े सुकून से काम करता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता। ये दिन में जो अल्लाह कहता है मुसल्ले पे आ जा, नमाज पढ़, ये तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ाना चाहता है और तुझे उस मकाम तक ले जाना चाहता। जब सैयदा ज़ैनब से पूछा गया, बीबी करबला में तो बड़ा जुल्म हुआ, बी फरमाते मा राए तो इल्ला जमीला, ज़ैनब में तो हुस्न के अलावा कुछ नहीं।